अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मियां उमर, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अभी लाहौर स्मार्ट सिटी की जो न्यू पॉलिसी जो उन्होंने चेंज की है रिगार्डिंग एमएस लेटर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या चेंज आया है इस पॉलिसी के अंदर। पहले ये होता था कि आप लाहौर स्मार्ट सिटी की कोई फ्रेश बुकिंग जो है उसको क्लोज करवाते थे तो आप बुकिंग करवाते थे 10% के साथ। तो जैसे ही आप फाइल को सबमिट करते थे आपको एक जो कंप्यूटराइज स्लिप दी जाती थी लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से, तो उसके ठीक एक महीने बाद आपको जो है वो आपका एमएस लेटर जो है वो बन के आ जाता था। तो आप जाके अपना एमएस लेटर रिसीव करते थे जो कि एक पूरी फाइल होती है, उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल जो है वो दी होती है। तो वो आपको 10% बुकिंग करवा के ही आपको मिल जाता था। लेकिन अब जो है वो इस पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से कि कोई भी फाइल जो कि 10% उसके अंदर पे हुआ है और उसने अपनी बकाया 10% जो है वो कन्फर्मेशन वो उसने पे नहीं की, तो लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो उसको एमएस लेटर इशू नहीं करेगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपना एमएस लेटर जो है वो टाइमली रिसीव करें, तो उसके लिए आपको 10% प्लस बुकिंग और 10% प्लस कन्फर्मेशन आपको लाजमी जमा करवानी पड़ेगी। अगर आप 10% कन्फर्मेशन जमा नहीं करवाएंगे तो सोसाइटी जो है वो आपको एमएस लेटर इशू नहीं करेगी। जब तक आपका एमएस लेटर इशू नहीं होगा तो वो फाइल आप आगे उसको फर्दर सेलर फ्री या उसको सेल आउट नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग की है लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपनी एमएस को इशू करने की जो पॉलिसी है उसको। तो मजीद लाहौर स्मार्ट सिटी की मजीद मालूमात के लिए आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।